हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे जेई भर्ती 2019 के CBT 1 और CBT 2 का एग्ज़ाम का ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। इसके बाद आपको इसी में बताऊंगा कि एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए आपको, और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको बता दूँ कि CBT 1 का जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट रखा गया है वो रखा गया है अप्रैल और मई में। तो दोस्तों, आप लोग अप्रैल को ही एक बेस मान के चलिए, यहाँ पे बेस मान के चलिए अप्रैल को, और इसी तरह से अपना प्रिपरेशन जारी करिए। तो वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, सारा कुछ यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा दें, ताकि रेलवे जेई से कोई भी न्यूज़ और नोटिफिकेशन हो आपसे मिस ना हो। फ्रेंड्स, अगर आप लोग घर बैठे बैठे जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे आपको मैथ्स, जीके, रीजनिंग और करेंट अफेयर्स की रेगुलर वीडियो मिलते रहती है। लगभग 15,000 से ज़्यादा लोग इसका फायदा घर बैठे बैठे उठा रहे हैं। आप लोग हमें वहां पर्सनली मैसेज और हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे जेई का ओपन कर रखा है, इसी में आप लोग नीचे आइएगा तो CBT 1 का टेंटेटिव एग्जाम डेट यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT टेंटेटिवली शेड्यूल ड्यूरिंग अप्रैल में 2019। जी हाँ दोस्तों, आपका अप्रैल में हो सकता है एग्जाम या फिर मई में हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग बेस मान के चलिए अप्रैल को, और उसी तरह से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप लोग फायदे में रहें। अप्रैल को ही बेस मान के चलिएगा तो आपका ज़्यादा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा, और अगर मई में हुआ तो और आपके लिए ही अच्छा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि CBT 1 का क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या ऑफिशियल सिलेबस है और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग यहां पे देख सकते हो पैरा नंबर 13.1 में, इसमें आपको फर्स्ट स्टेज CBT के बारे में बताया गया है कि सभी को यहां पे एग्जाम देना है फर्स्ट स्टेज CBT, और आपको टाइम मिलेगा वो 90 मिनट का टाइम रहेगा, और आपको क्वेश्चन रहेंगे 100, और PWD कैंडिडेट हैं इनको 120 मिनट का टाइम यहां पे मिलेगा। इसके बाद यहां पे बताया गया है दोस्तों कि फर्स्ट स्टेज CBT होगा सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर का होगा, रिट्रेंचिंग प्रोसेस के लिए होगा, यानी कि छंटनी के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म 40 लाख 50 लाख ऐसे लोग भर देते हैं। तो CBT 1 सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है स्क्रीनिंग नेचर का है। इसका मार्क्स आपको मेरिट लिस्ट बनाते समय नहीं जुटेगा, इसमें अगर पास हो जाएगा तो आप लोग CBT 2 एग्जाम दे पाइएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए आपका CBT 1 रखा गया है। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों, आपका CBT 1 में कुछ सिलेबस दिया गया है। जैसे पहले हम लोग देख लें कि किस किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन आने वाला है CBT 1 में, तो यहाँ पे आपको बताया गया है इस वाले में। तो मैथमेटिक्स में देखा जाए तो 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में देखा जाए तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस में देखा जाए तो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। जनरल साइंस में देखा जाए तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और आपको टाइम मिलेंगे 90 मिनट। अब दोस्तों, यहीं पे आपको बताया गया है कि मिनिमम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स इतना है, UR कैंडिडेट का 40%, OBC का 30%, SC का 30%, ST का 25%, यानी CBT 1 में आपको इतना मार्क्स लाने ही लाने हैं कम से कम, वरना ऐसे भी आप लोग डिसक्वालीफाई हो जाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि सिलेबस क्या क्या है। जो मैथमेटिक्स रखा गया है, रीजनिंग रखा गया है, जनरल अवेयरनेस रखा गया है, जनरल साइंस रखा गया है, तो ये सब का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के लिए आपको यहाँ पे ऊपर में दिया गया है सभी का, जैसे देख सकते हो यहाँ पे फ्रेंड्स। पहले मैथमेटिक्स का देखें यहाँ पे, तो नंबर सिस्टम, बोडमास, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM एंड HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टर्न। तो इतना सारा टॉपिक आपको मैथमेटिक्स में कवर करना है। किसी भी तरह से कोई भी बुक आप लोग पढ़िए, आपको बता दूंगा बुक्स का नाम, इंपॉर्टेंट बुक्स, जो कि आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो। इसके बाद अगर देखें बी पार्ट, तो आपका है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। तो इसमें जो टॉपिक देखा जाए तो एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोलिज्म, आपका यहाँ पे हो गया वेन डायग्राम, उसके बाद हो गया डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशियंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स एंड इंजप्शंस। तो इतना सारा टॉपिक आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का, तो इसमें आपको नॉलेज ऑफ करेंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो इतना सारा टॉपिक आपको जनरल अवेयरनेस से दिया गया है। अब आते हैं जनरल साइंस पे। तो जनरल साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेस यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से अप टू 10th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस का आपको पढ़ना है। तो आपका जैसे हो गया 9th का हो गया 10th का हो गया, तो 10th स्टैंडर्ड तक का जो भी आपका फिजिक्स पढ़े हो, केमिस्ट्री पढ़े हो या लाइफ साइंसेस या फिर बायोलॉजी पढ़े हो, तो इसी से आपके प्रश्न आएंगे। 11th का नहीं आएगा, 12th का नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक का ही आपका पूछा जाएगा, और वो भी CBSE सिलेबस ही ये मान्य रखेगा। अब दोस्तों बात आती है कि कैसे प्रिपरेशन की जाए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों स्ट्रेटजी डिफाइन करने में या फिर प्रिपरेशन करने में आपको एक ख्याल रखना होता है कि हमारा जो कमज़ोर सब्जेक्ट है, वीक सब्जेक्ट है, वो कौन सा है। क्योंकि अगर आप लोग वीक सब्जेक्ट को छोड़ के चलोगे तो यहाँ पे आपसे नहीं हो पाएगा, आपको उसी को कवर करना होगा सबसे पहले। क्योंकि स्ट्रांग जो पोर्शन है आप लोग तो उसको रिवीजन करके भी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन जो वीक पोर्शन है उसी को आप लोग को स्ट्रांग करना होगा सबसे पहले। तो देखिए मैथमेटिक्स में जनरली क्या होता है, मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते ही रहते हैं, एग्जाम्स की कोई भी एग्जाम्स हो तो मैथमेटिक्स मैक्सिमम लोगों का ही अच्छा पोर्शन एक होता है। लेकिन कुछ कुछ बंदों का यहाँ पे मैथमेटिक्स भी कमजोर पहलू होता है, वीक होता है, तो उन लोगों को मैथमेटिक्स का तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। बाकी जिनका भी अच्छा होता है यहाँ पे, एवरेज भी होता है, वो लोग को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना चाहिए, और कम से कम आपको लगभग दोस्तों 2 से 3 घंटा देना चाहिए डेली आपको मैथमेटिक्स पोर्शन में। जी हाँ फ्रेंड्स, 2 से 3 घंटा देनी चाहिए मैथमेटिक्स पोर्शन में, जिनका कंप्लीट हो चुका है, जिनके लिए आसान है मैथमेटिक्स, और जिनके लिए हार्ड लगता है मैथमेटिक्स उनके लिए अच्छा खासा यहाँ पे 4 घंटा का समय देना चाहिए। और पढ़ाई कैसे करना चाहिए मैथमेटिक्स में, तो आपके पास दो तरीके हैं दोस्तों। अभी टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गया है कि आपका यहाँ पे यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे चैनल है जो कि अच्छा क्लासेस आपको देते रहते हैं मैथमेटिक्स का, और पूरा आपको सिलेबस कवर हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको यूट्यूब पे पढ़ने में मन नहीं लगता, मोबाइल पे पढ़ने में मन नहीं लगता, तो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बुक्स भी बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं ट्रिक्स के साथ या फिर सभी चीज़ के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताते हैं। और अगर आपको बुक्स भी पढ़ने में नहीं मन लग रहा है तो आपका तीसरा है कोचिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके कोचिंग संस्थान है जहाँ पे भी आप लोग जाके इसका कोचिंग ले सकते हो अच्छा से, जो आपको कवर करवाए। तो दोस्तों इसके लिए आपको बता दूं तो यूट्यूब पे आप लोग पढ़ सकते हो, जो बुक्स आप लोग खरीद के पढ़ सकते हो, और आप लोग कोचिंग की भी मदद ले सकते हो। तो अगर हम लोग बुक की बात करें यहाँ पे मैथमेटिक्स का, तो बुक में दोस्तों आप लोग RS अग्रवाल का जो बुक आता है जनरल कंपटीशन का मैथमेटिक्स का, आप लोग ले सकते हो, जो कि हिंदी वर्जन में और इंग्लिश वर्जन दोनों में ही आपको मिल जाएगा। तो आप लोग ये ले सकते हो, बेस्ट बुक आपके लिए रहेगा। और अगर आप लोग ये नहीं लेना चाहते हो तो SSC का एक आता है किरण पब्लिकेशन का बुक, SSC का आता है, और इसमें दोस्तों सारा ही टॉपिक आपको मिल जाएगा और बहुत अच्छे तरह से इसमें सब कुछ बताया रहेगा, और सारा कुछ एक एक क्वेश्चन भी आपका सोल्व रहेगा। तो आप लोग ये भी ले सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा दोस्तों आपको कि RS अग्रवाल ही आप लोग ले लीजिएगा, और जो प्रिपेयर कर रहे हैं RS अग्रवाल से वो जानते होंगे कि इसका स्टैंडर्ड क्या है। तो अच्छा खासा बुक है RS अग्रवाल। उसके बाद देखा जाए दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, तो अगेन आप लोग को बताऊंगा कि यहाँ पे आप लोग यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो कि रीजनिंग का सारा टॉपिक ही आपको कवर करवा देंगे। नहीं तो आप लोग कोचिंग की भी मदद ले सकते हो या फिर बुक की मदद ले सकते हो। और बुक में अगेन दोस्तों आपका यहाँ पे RS अग्रवाल की आती है जो कि जनरल कॉम्पिटिशन का बहुत ही अच्छा बुक है, या फिर किरण पब्लिकेशन का आप लोग ले सकते हो, SSC लेवल का जो है, CGA लेवल का आप लोग किरण पब्लिकेशन का ले सकते हो, इसमें भी सारा टॉपिक कवर है। उसके बाद आते हैं दोस्तों जनरल अवेयरनेस पे। तो जनरल अवेयरनेस पे देखें तो सबसे ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा जनरल अवेयरनेस पे, सॉरी सबसे ज़्यादा आपको लेंदी जो पोर्शन होगा वो आपका होगा जनरल अवेयरनेस का। और इसमें जो देखा जाए दोस्तों इसका वेटेज तो सिर्फ और सिर्फ है 15 मार्क्स का, और सबसे ज़्यादा इसमें जो है आपको लेंदी पड़ेगा यही। तो इसको अभी हम लोग निगलेक्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं जनरल साइंस का, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा ही आपका वेटेज है 30 मार्क्स का है, और इसमें ज़्यादातर आपके फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं। फैक्चुअल जो होते हैं फिजिक्स से आपके फॉर्मूले हो गए, आपके जो एनर्जी कन्वर्शन हो गए, आपके जो चैप्टर हो गए इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी ये सब से पूछे जाते हैं, या फिर केमिस्ट्री से आपके पूछे गए पीरियोडिक टेबल से या कुछ और एसिड बेस सॉल्ट से, या फिर लाइफ साइंसेस बायोलॉजी से आपके प्रश्न पूछे गए। तो इस तरह से दोस्तों आपको कम से कम तो 9th और 10th क्लास की जो बुक होती है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, और इसके लिए जो आपका जनरल साइंस के लिए। और आपको एक बुक बताना चाहूँ इसके रिगार्डिंग, तो आपका एक आता है लूसेंट का। जी हाँ दोस्तों, लूसेंट का एक आता है जनरल साइंस करके बुक आता है लूसेंट का, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में आपको मिल जाएगा, ये आप लोग ले लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको साइंस का रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, और आपको बायोलॉजी रहेगा, और ये आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए काफ़ी होगा।
अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको मैक्सिमम तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन रहेंगे आपके करंट अफेयर्स के, और बाकी जो रहेंगे दोस्तों इतना सारा पोर्शन आपको कवर करना होगा। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको बताऊं तो डेली ही आपको दोस्तों लगभग 45 मिनट्स देना है, डेली 45 मिनट्स देना है आपको करंट अफेयर्स के लिए। और करंट अफेयर्स के लिए आप लोग क्या कीजिए, मंथली करंट अफेयर्स भी आप लोग बुक खरीद सकते हो या फिर पढ़ सकते हो, या फिर आप लोग का जो 1 साल का होता है ईयरली वाइज होता है करंट अफेयर्स का, जैसे 2018 का पूरा ले लिए तो वो ईयरली वाइज होता है, वो भी आप लोग पढ़ सकते हो, या फिर मंथली जो आता है वो भी आप लोग मंथली इसको कवर कर सकते हो। और 45 मिनट्स ही आप लोग दीजिएगा, या फिर न्यूज़पेपर की मदद भी आप लोग करंट अफेयर्स में ले सकते हो। बाकी करंट अफेयर्स को छोड़ के जितने भी आपको टॉपिक ऐसे बच रहे हैं, इसके लिए आप लोग को लूसेंट प्रीफर करना होगा, और लूसेंट की बुक ही आपको इनफ होगी, ज्यादा इधर उधर बुक मत खरीदिएगा, क्योंकि यहां पे दोस्तों बहुत सारा टॉपिक आपको कवर करना है, मैथमेटिक्स का भी, इसका भी, इसका भी, और इसमें आपको वेटेज ही बहुत कम है। तो लूसेंट ही पढ़े हो आप लोग तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, या फिर लूसेंट सभी के लिए बेसिक है दोस्तों, सभी लोग लूसेंट पढ़ते हैं, इसीलिए यहां पे लूसेंट ही आप लोग प्रीफर कीजिएगा, इंडियन ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए, फ्रीडम के लिए, या फिर आपका इकोनॉमी के लिए, या फिर पॉलिटी के लिए, ये सब के लिए आप लोग लूसेंट काफी रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बता दिया फर्स्ट स्टेज का, किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, कौन कौन से बुक आप लोग प्रीफर करें जो कि इंपॉर्टेंट बुक्स है। और इसी में आपको बताऊं यहाँ पे सेकंड स्टेज सीबीटी एग्जाम का, तो पैरा नंबर 13.2 में दिया गया है, जिसमें आपको 120 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, और जो लोग सीबीटी 1 में पास होकर आएंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोग का एग्जाम होगा सीबीटी 2 एग्जाम, और इसी से आपको मेरिट लिस्ट बनने वाली है, यही आपको कंप्लीट करना है दोस्तों। और आपको एक बात बता दूं कि जैसे देखिए अप्रैल और मई में बोला गया है कि आपका सीबीटी 1 का एग्जाम होगा, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ सीबीटी एग्जाम की प्रिपरेशन करने में लग गए, क्योंकि सीबीटी के एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा दोस्तों उसके तुरंत बाद, एक मंथ के बाद या फिर 45 दिन के बाद ही आपका जो कि सीबीटी 2 एग्जाम हो जाएगा, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको दोनों ही सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों ही चैप्टर को फोकस करके चलना है, दोनों ही स्टेजेस ऑफ एग्जाम को फोकस करना है। तो यहीं पे आपको कुछ डिस्कस कर देता हूं, जो सीबीटी 2 होगा 120 मिनट रहेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे, और इसी से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसमें अगर देखा जाए यहां पे दोस्तों तो जनरल अवेयरनेस से आपके 15 क्वेश्चन 15 नंबर के रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन 15 नंबर के रहेंगे, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहेंगे, जो कि सभी से ये सब पूछे जाएंगे, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहेंगे, टेक्निकल एबिलिटी से 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे, यानी कि टोटल आपका 150 क्वेश्चन 150 नंबर का रहेगा, और टाइम मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 120 मिनट। तो फ्रेंड्स जो सीबीटी 2 आपका होने वाला है, जो ये सब तो आपका कॉमन टॉपिक है, सभी के लिए कॉमन है, लेकिन जो टेक्निकल एबिलिटी है दोस्तों इसका कहां से पढ़े, तो दोस्तों इसका भी सिलेबस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे दिया है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं कि सभी ग्रुप का यहां पे सिलेबस कैसे बताया गया है। फ्रेंड्स यहां पे आप लोग सबसे पहले देख लीजिए, जैसे मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग के लिए आपका इतना सारा है, अगर इस स्ट्रीम से आप लोग कर रखे हो बीटेक तो आप लोग इसमें आते हो मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग में। अगर यहां पे देखा जाए दोस्तों तो इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग में आप लोग ये दो सेक्शन में आते हो, और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग में आप लोग यहां से यहां तक आते हो, और इसके बाद देखा जाए यहां पे तो सिविल के लिए यहां पे आते हो, इसमें अगर कर रखे हो तो सिविल के लिए आते हो, और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए ये है, और सीएमए के लिए ये है, और इसके बाद देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ये है। अब चलिए लेके चलता हूँ सिलेबस पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो सिलेबस फॉर द सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग एग्जाम ग्रुप जेई के लिए, तो इसमें इतना सारा सिलेबस आपको बताया गया है कि जो कि सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग वाले जो भी लोग आते हैं उसमें बीटेक कर रखे हैं, वो लोग को इतना सारा टॉपिक क्लियर करना है, तभी आपका इसी में से 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा टेक्निकल से। और इसी तरह से नीचे आए दोस्तों तो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग वालों के लिए, जो कि यहाँ पे इतना सारा सिलेबस है, और इसी से आपका 100 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, जिसमें से आपको इतना तैयारी करना होगा तभी आपको 100 नंबर का दे पाइएगा एग्जाम। इसके बाद यहाँ पे देखें तो सिलेबस फॉर मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियर वाले ग्रुप के लिए इतना सारा सिलेबस दिया गया है, और इसी में से आपके 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसी में आगे बताया गया है दोस्तों कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले ग्रुप के लिए, तो यहाँ पे इनका है
ये वाला सिलेबस, और इसी में नीचे देखा जाए तो यहाँ पे सिलेबस फॉर प्रिंटिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये वाला सिलेबस है टोटल, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। इसके ऊपर हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे दोस्तों सीबीटी 2 के समय। इसमें अगर सिलेबस ऑफ सीएमए एग्जाम का देखा जाए तो यहाँ पे सीएमए के लिए है, जो बीएससी वाले भर सकते हैं लोग, तो इनका ये सिलेबस है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इतना सारा सिलेबस आपका सीबीटी 2 का है जो कि 100 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ है, और बाकी के लिए तो कॉमन ही है। तो आप लोग क्या कीजिए कि ऐसे मत प्रिपेयर कीजिए अभी से कि सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 1 का प्रिपेयर किए और बाकी सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा तब हम लोग सीबीटी 2 का प्रिपरेशन करेंगे। ऐसे कीजिएगा तो आपको यहाँ पे जॉब लगने का बहुत ही कम चांसेस है। तो आप लोग क्या कीजिए कि दोनों को साथ में लेके चलिए, सीबीटी 1 का प्रिपरेशन कीजिए और फिर सीबीटी 2 का भी आप लोग, नहीं तो कम से कम आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का जहाँ से पूछा जा रहा है वो सब धीरे धीरे करते जाइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टॉपिक है। देख सकते हो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, एक एक जो कि आपका पैटर्न जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का है, जो भी आपका पैटर्न है दोस्तों उसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा ही टॉपिक दिया गया है जो कि 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, बाकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।